नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। चोरों ने भगवान का घर भी नहीं बख्शा। कैथल के खाटू श्याम मंदिर में दान पेटी चोरी। क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, इसलिए शायद वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल के खाटू श्याम मंदिर में और पैसों से भरी दान पेटी उठाकर चोर ले गए। पंडित ने जब शोर मचाया तो उसे जान से मारने की धमकी दी और पैसों से भरे बॉक्स को कुछ दूरी पर पैसे निकालकर वहीं प्लाट में फेंक गए। परंतु तीसरी आंख से सब कुछ छुपा नहीं रहा और सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो गई, जिसमें पैसों से भरा पूरा बक्सा उठाकर ले जा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। मंदिर की कमेटी के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मौके पर आएगी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इसके लिए मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रधान कृष्ण सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रात में चोरी हुई और चोरों ने मंदिर के पुजारी को भी धमकाया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। दान पेटी में हर महीने लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये हर महीने आ जाते हैं। महीने में एक बार दान पेटी को खोला जाता है। हमारे अंदाजे से 50 से 60 हज़ार रुपये की चोरी हो सकती है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, क्या मामला है? ये भी एक रात की घटना है कि ईसाई यहाँ मंदिर है खाटू श्याम मंदिर, वहाँ पे तीन बंदों ने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं पुलिस ने कि एक गल्ला लेके गए हैं जिसमें 50-60 हज़ार रुपये का अनुमान है कि वो उसमें दान में आए हुए पैसे थे। चोरी की सूचना है हमारे पास, तो उसको लेकर क्या कुछ देखिए, इसमें कंप्लेन हमें मिल चुकी, इसमें भी हम एफआईआर कर रहे हैं और दोनों ही वारदातों में हमें हमारी जो पुलिस है वो सारी लगी हुई है। कृष्ण सैनी एडवोकेट हूँ मैं। बाबा श्याम जी के उप प्रधान सेवक की मेरी जिम्मेवारी दी गई है। आज सुबह करीब 2:28 की बात है, तीन चोर जो है श्री श्याम मंदिर के अंदर बराबर की दीवार को फांद करके, जहाँ हमारे बालाजी का मंदिर है उसकी तरफ की दीवार को फांद करके, तीन चोरों ने जो सीसी कैमरे के अंदर बिल्कुल पूर्णतः उनकी तस्वीर आई हुई है उन्होंने एंटर करी और एंटर करके पहले सबसे पहले बाबा का दरबार का मुख्य द्वार जो है उसको तोड़ने की कोशिश करी, मगर बाबा के आशीर्वाद से उनसे वो ताला सिर्फ टूटा, मगर उसके बाद वो उसमें प्रयास नहीं फलीभूत हुए। उसके नीचे वो नीचे वाले गेट से बराबर से नीचे उतरे हैं बेसमेंट से और वहाँ से उन्होंने हमारे जो चौकीदार सोए हुए थे उसके ऊपर चाकू की नोक के ऊपर रख करके उसको डरा धमका करके, और एक व्यक्ति जो है ऊपर जा करके बाबा का गला उठा करके, और वो तीनों जो है उसको डरा धमका करके हमारे जो चौकीदार थे उसको वहाँ बंदी बना करके वो लूट करके ले गए, जिसमें हमारे महीने भर के जो चंदा इकट्ठा जो लोग 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये डालते हैं उससे लगभग ये मानते हैं कि हमारा जो गल्ला खुलता है वो 60 से 70 हज़ार रुपये तक का खुलता था। हमारा जो अनुमान है उसके अंदर हो सकता है 50 या 60 हज़ार रुपये। तो कोई मामला दर्ज करवाया इसका? मामला जी हमने सुबह ही हमारे प्रधान सेवक जो आए थे और मंदिर के और भी जो सदस्य थे माननीय सदस्य उन्होंने आकर के इसकी सूचना लोकल पुलिस को दी है। लोकल पुलिस समय पे आई भी थी, उन्होंने आकर के मुआयना किया है और हमारे तीन बंधु अभी भी आए थे, उन्होंने जो हमारा जो गल्ला था वो बराबर के मंदिर देवी मंदिर के प्रांगण से हमें जो पीछे पार्क बना हुआ वहाँ से हमें मिल गया है, उसमें खरीद के बस 5-10 रुपये बाकी बचे हुए थे। अन्य जो थी उसके ऊपर इन्होंने फॉरेंसिक लैब को भेजने के लिए कोई अंगूठे के या हाथ के निशान आने के लिए उससे ये हो गया कि बरसात की जो बूंदें थी वो पड़ गई थी इसलिए वो निशान नहीं आए हैं, और पुलिस हमारे को पूरी कार्रवाई कर रही है, हमारा साथ दे रही है।